नमस्कार, 72 पाइनियर फॉर एजुकेशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि हमारे बैनर में लिखा है कि 30/30 पाना होगा आसान, क्योंकि आनंद सर हैं हिंदी की शान, डॉक्टर आनंद द्विवेदी, जो कि हिंदी के महाप्रवक्ता भी हैं। और हिंदी में इनका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में तो हम लोग कोई शब्द नहीं है, और आप लोगों को इनके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो आप देखें कि कैसे पैसेज को पढ़ा जाता है, कैसे गद्य भाग को हल किया जाता है, कैसे पद्य भाग को हल किया जाता है, किस तरीके से शिक्षण के प्रश्न दिए जाते हैं। और एक चीज़ आपको हम पहले भी मैथ्स के पेपर में बता चुके हैं कि CTET का पेपर स्टूडेंट का नहीं होता है, एक शिक्षक का होता है। इसीलिए हम आपको एक सही ज्ञान मिले हिंदी में। हम लोगों ने जो समय लिया पिछले जुलाई दिसंबर में भी, हम लोगों ने आपको ये हिंदी का डाटा नहीं दिया था। बहुत डिमांड रही लोगों की, बच्चे जो हमारे समक्ष पढ़ने वाले हैं, कि सर हिंदी का क्या है। तो जब हिंदी का हमें आज सही ज्ञान मिल गया है, सही ज्ञान का जो छोर मिल गया है, उनके बिहाफ पे आज हम ये, उनके टारगेट पे हम ये आज चालू करना चाहते हैं। और मैं इसके लिए डॉक्टर आनंद द्विवेदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज वो मेरे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर आप लोगों को ज्ञान का जो प्रसार करेंगे, आप लोगों के अच्छे नंबरों के लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए अब हमारे डॉक्टर आनंद द्विवेदी जी प्रश्न पत्र के बारे में बताएंगे आपको कैसे हल करना है, और आज एक पेपर पे चर्चा भी करेंगे। अगली आवाज़ आनंद द्विवेदी जी की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि सर ने बताया है, भाषा वन भाषा खंड के हिंदी भाषा पर कुछ चर्चा करेंगे। देखिएगा, सीटेट में जो भाषा पर बात होती है या उसका जो पैटर्न है, वह हम सभी जानते हैं कि 30 मार्क्स 30 प्रश्न पर आता है। इसमें से 15 अंक जो होते हैं वह इसके गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होते हैं, जबकि बचे हुए 15 मार्क्स या 15 अंक मेथडोलॉजी बेस्ड या शिक्षण आधारित प्रश्नों पर होते हैं। देखिएगा, हिंदी भाषा में प्रश्न कोई इतने कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। यह केवल आपकी समझ या भाषा बोध पर आधारित होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग देख लें या समझ लें, तो 30 में 30 लाए जा सकते हैं, इसमें कोई असंभव नहीं है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले तो इसके गद्य और पद्य पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें। देखिएगा, जब कभी भी आप इसके गद्य खंड और पद्य खंड को आपको सॉल्व करना हो, तो विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहले अगर हम गद्य खंड को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है, कई बार विद्यार्थी उस बात को समझ नहीं पाते। मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप उस गद्य को पढ़ने से पहले प्रश्नों को पढ़ लें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उसको ऐसे पढ़ें जैसे कि आपके सामने कोई गद्य है ही नहीं या कोई गद्यांश है ही नहीं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में आप गद्य खंड को पढ़ते जाइएगा, और आप देखेंगे कि पहली और दूसरी लाइन या तीसरी लाइन से ही उसके उत्तर आना प्रारंभ हो जाते हैं। खास बात इसकी ये है कि पूरा ना पूरा का पूरा जो
गद्य खंड होता है या उसका पद्यांश होता है, वह एक विशेष विचार पर आधारित होता है। कोई न कोई, अगर कविता है तो उसका कोई न कोई केंद्रीय भाव होता है, और अगर कोई गद्य खंड है तो वह भी किसी विचार पर आधारित होता है, और उसी के जो प्रश्न हैं वो उस पर आते हैं। बस थोड़ी सी आपको समझ बनानी होती है। अच्छा, इसका एक ये भी तरीका होता है, या एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप किसी भी गद्य खंड या पद्य खंड को पढ़ करके उसके प्रश्नों को, उसकी समझ आपके अंदर कैसे बनती है। आइए, जैसे कि एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, गद्यांश का है, यह पेपर ही आया हुआ है, उसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रश्न किया जा रहा है कि गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, यानी कोई विषय संबंधी बात है, पाठकों के, फिल्म बनाने वालों, स्वयं। दूसरा है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है। तो कुछ लेखन से संबंधित बात इसमें की गई है, लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, लेखक पाठक की पीछा करता है। अगला प्रश्न ये है, लेखक की अपनी ग्रोथ होनी चाहिए, लेखक की संवेदनाएं। अगला इसमें प्रश्न ये है कि लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब कोई पहली बात भी की गई है और दूसरी बात भी की गई है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, सुंदर तरीके से कही हुई बात, लोगों तक पहुंचे वो बात, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा इसका। फिर अगला प्रश्न है, गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, आदि आदि। आइए हम लोग पैसेज पे आते हैं और देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब इस पैसेज को। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पैसेज पढ़ें तो ये देखें कि वो जो बात, उसमें कोई भी केंद्रीय विचार है या उसका जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, उसको देखते चलते हैं। गुलजार जी क्या लिखते समय, यहीं पे प्रश्न देखिए आ गया, क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं, यानी गुलजार साहब से कोई प्रश्न किया जा रहा है। गुलजार हिंदी के बहुत माने जाने लेखक हैं और उनसे प्रश्न किया गया है। कुल मिला के यह एक साक्षात्कार संबंधी, कोई एक प्रकार से उनका साक्षात्कार ही यहाँ पे आया है गद्यांश के रूप में। तो वो उत्तर के रूप में गुलजार जी कहते हैं और उन्हीं से ही प्रश्न और उत्तर आपके हैं। गुलजार जी कहते हैं, देखिए जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जेहन में होता है। अब क्या जेहन में होता है कि मैं तय करता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं पहले यही तय करता हूँ, मुझे बात बात मुझे अपनी कहनी है, यानी वो अपनी बात कहेंगे, पाठकों को सामने रखकर नहीं, लिखने का कोई मतलब नहीं। बात समझे वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जेहन में होता है कि मैं जो मुझे क्या करना है और मुझे अपनी बात कहनी है, पाठकों की नहीं। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे कोई दूसरी महत्वपूर्ण पर हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था, यहीं से है कि मैं महसूस करता हूँ कि वह है कम्युनिकेशन। दूसरी महत्वपूर्ण बात उनकी कम्युनिकेशन की है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका कम्युनिकेशन संबंधित या दूसरी महत्वपूर्ण बात से संबंधित था, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को पाठक तक पहुंचाना। हो सकता है इससे भी प्रश्न बने, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता हूँ। कहने का तरीका, देखिए जो हमेशा जब गद्यांश पढ़े तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या बात, उसका केंद्रीय भाव क्या है और वो क्या कहा जा रहा है। गद्य खंड या जब गद्यांश हम पढ़ते भी हैं, या गद्य शिक्षण की विशेषता भी यही होती है कि उसका मुख्य विचार क्या है। वो कहता है, कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। कहने का तरीका, तो मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता हूं। वो कहते हैं, कहने का तरीका, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं।
आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए, ये भी वो बात कह रहे हैं। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब देखिए, बहुत अच्छा ये पैसेज है और बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है, कई सारी इसमें बातें आती हैं। पहली बात तो ये ध्यान देने वाली है कि वो अपनी बात कहते हैं, अपनी बात वो कहते हैं। दूसरी बात है कम्युनिकेशन की बात, यानी संप्रेषण कौशल की बात। एक बात याद रखिएगा कि शिक्षण कार्य में या लेखन में एक लेखक के लिए क्या लिखता है, उसकी विषय वस्तु कैसी होती है, ये तो ध्यान महत्वपूर्ण बात है ही। लेकिन बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेकिन हर कोई गुलजार, प्रेमचंद और जावेद अख्तर नहीं हो पाता। कारण क्या है कि संप्रेषण कौशल कैसा है। यही बात भाषण कला में भी आती है, जब मैं अभी भाषण कला में बात करूँगा या बोलना कौशल पे बात करूंगा तो भी संप्रेषण की बात आएगी, वही बात कहते हैं। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। गुलजार लिखते हैं, देखिएगा, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, पाठकों के, फिल्म बनाने वालों के, स्वयं उनके, मीडिया के। पहली बात आपने पढ़ी कि गुलजार जब लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, ना पाठकों के होते हैं, वो कहते हैं मैं पाठकों को ध्यान में रख के नहीं लिखता हूँ, फिल्म बनाने वालों से कोई चर्चा ही नहीं की गई है, मीडिया की कोई बात बाद में आती है, वो कहते हैं स्वयं उनके, यानी विचार वो अपने कहते हैं, ठीक है। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय क्या है, लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, नहीं, लेखक पाठक की उपेक्षा करता, ये भी नहीं है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, ये भी नहीं है, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूत उसके केंद्र में होती है। जी हाँ, वो यही कहना चाहते हैं कि लेखक क्या लिखना चाहता है, यानी लेखक की खुद की स्वयं संवेदनाएं, उसकी आत्मानुभूति क्या है, उसकी स्वानुभूति क्या है, उसका अनुभव क्या है, उसके विचार क्या है, वही वो बात जो सोचता है वो अपने पाठकों तक पहुँचाना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है और वो ये प्रश्न आता है कि एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। हम लोगों ने कर लिया था दूसरी महत्वपूर्ण बात पे, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है संप्रेषण। देखिए वहाँ पे कम्युनिकेशन है, इस बात को आप याद रखिएगा, कभी कभी पैसेज में ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कम्युनिकेशन शब्द दिया है और उसका ऑप्शन जो आया है वो संप्रेषण आया, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कम्युनिकेशन और संप्रेषण क्या है। प्रश्न कर रहे हैं संप्रेषण, तो इसका उत्तर होगा संप्रेषण। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, बहुत सुंदर बात, वह सुंदर तरीके से कही गई है, लोगों तक वह बात पहुंचे, मीडिया द्वारा सराहा जाए, सरल भाषा का प्रयोग, नहीं, किसी भी कला का, किसी भी आर्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है, इस पैसेज में ये बात कही गई और वो बात भी सही है कि वह लोगों तक पहुंचे कैसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। इसके बाद गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं, कि वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं, तो वो कसौटी है, कह रहे मेरे लेखन की मुख्य कसौटी है कि वह बात पाठकों तक पहुंचनी ही चाहिए, यानी पहुंच रही है ना, ये इसी पर बात कह रहे हैं और यही इसका आंसर होगा। इस पूरे पैसेज में दो तीन बातें मुख्य रूप से कही गई हैं, आपने देखा कि एक तो लेखक अपनी बात कहता है, दूसरी कहने का तरीका क्या है, और तीसरी बात है लेखक की बात पाठकों तक पहुंच रही है नहीं है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तीन ही चार बातों में, और उसी को बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, किसके लिए कहना है, क्या कहना है, कैसे कहना है और क्यों कहना है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम आते हैं तो पैसेज पर कह रहे हैं कि पहले यही तय करता हूँ कि मुझे अपनी बात कहनी है, यानी मुझे क्या कहना है, मुझे क्या कहना है, क्या
क्या कहना है? इसके बाद बात आती है जेहन से आशय क्या है। जेहन दिल, दिमाग, ख्याल, सपना। देखिए जेहन का मतलब होता है दिमाग, ख्याल का मतलब होता है विचार, सपना और दिल तो जानते ही हैं आप। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, इसी में संगीत से विशेष। देखिए यहाँ पे ये व्याकरण का प्रश्न आ गया। एक बात और आप सभी लोग जान लें कि सीटेट में पैसेज से दो तीन प्रश्न कभी कभी है, दो और कभी कभी तीन, कभी कभी एक प्रश्न उसके व्याकरण से भी जरूर आते हैं। देखिए जैसे वो कह रहे हैं संगीत से शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा। अब यहाँ पे आपको अगर विशेषण और विशेष का ज्ञान है तो ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। और एक बात और बता दें कि ये शब्द जो विशेषण शब्द उन्होंने बनाया है, ऑप्शन दिए हैं, वो बहुत अच्छे दिए हैं। एक तो दिया है संगीतज्ञ, दूसरा दिया संगीत वाला, तीसरा दिया संगीतवान। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वाला लगाने से भी दूध वाला, चाय वाला, पेपर वाला, ये सब विशेषण होते हैं। वान लगाने से भी विशेषण शब्द बनता है, लेकिन संगीतवान, संगीत वाला शब्द यहाँ पे करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो शुद्ध ऑप्शन या शुद्ध शब्द होगा विशेषण का या करेक्ट होगा वो होगा संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला, ठीक है। जबकि अगर बुद्धिमान होता, ज्ञानवान होता यहाँ पे ऑप्शन, तो वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे संगीतज्ञ माना जाएगा। अगला क्या है? कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए वाक्य में निपात। देखिएगा निपात क्या है, निपात हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं जो बालाघात का प्रयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी अव्यय शब्द होते हैं। तो भी ही ये कुछ शब्द होते हैं, तो यहाँ पे तो और ही आ रहे हैं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो और ही, यानी चौथा ऑप्शन सही हो गया है। लीजिए तो ये था आपका तरीका कुछ गद्य शिक्षण या गद्य खंड को करने का। अब हम बात करेंगे कविता शिक्षण में, यानी कविता अगर मान लिया कोई पोएट्री का या कोई काव्य खंड या कोई पद्य खंड आपका आता है तो उसके हम प्रश्न कैसे करेंगे, उस पैसेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पद्यांश को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखिएगा मित्रों, वो ये कि जब भी कोई भी हम कविता, गीत या पोएट्री पढ़ते हैं तो वहां पे याद रखिएगा कि कविता में जो सीधे सीधे बातें कही जाती है वो उसका अर्थ नहीं होता। कविता काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि कविता में कहे हुए भाव को समझना, उसके सेंस को समझना। तो कविता मुख्य भावा, उसका मुख्य जो तत्व होता है वो भाव होता है, भावात्मक होता है, ठीक है। काव्य की यही परिभाषा भी होती है कि कविता जो है वो भावात्मक होती है। गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, जबकि कविता का संबंध हृदय से होता है, और उसमें भाव की प्रधानता होती है, गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। ये कुछ बात हुई कविता की। आइए हम लोग देखते हैं, एक कविता यहाँ पे दी गई है, छोटी सी मुक्त छंद की कविता है। कह रहे कविता को पढ़कर प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 5, तो इसमें 5-6 प्रश्न दिए हुए हैं, देखते हैं। जब नहीं था इंसान धरती पर तो थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे। ये कुछ बातें कही थी, जब इंसान नहीं था तो ये चीजें थी, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और जब इंसान आया तो कह रहे घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा। अच्छा इंसान बढ़ने लगा, क्या इंसान की ग्रोथ होने लगी? बढ़ने से यहां पे तात्पर्य केवल बढ़ने से नहीं है कि इंसान की लंबाई बढ़ रही है, नहीं, प्रोग्रेस। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी,
सभी के लिए बनाती है जगह है, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। कविता समाप्त हो गई। बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक कविता, या बहुत अच्छा कवि काव्य के माध्यम से कवि ने व्यंग किया है इस सामाजिक व्यवस्था पर, और खास करके इंसान की उस इंसानियत पर, उस सम की संवेदनाएं कैसी उसके मर रही हैं, है ना। इंसान किस प्रकार से अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, अपनी भौतिक प्रगति के लिए वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसी की बात इसमें कही गई है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? ये बात आपको अपने दिमाग से नहीं बतानी है, कविता जो उसमें दी गई है उसी के अनुसार चलना है। जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, तीनों बातें तो कही गई। जंगली जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, परिंदे। तो अगला प्रश्न ये है कि प्रयुक्त सभी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी। इंसान बढ़ने लगा, देखिए मैंने भी पढ़ते समय बात भी की थी, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव क्या है, आशय क्या है? कविता में हमेशा भाव को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ने लगा से ये नहीं है कि तेज भागने लगा, या बड़ा होने लगा, या पैरों पर चलने लगा, या उसकी लंबाई बढ़ने लगी, नहीं, वो अपनी भौतिक प्रगति के लिए जंगलों को काटने लगा, जानवरों को मारने लगा। जब जंगल काट देगा तो जानवर भागेंगे, तो वो यही बात कह रहा है कविता के माध्यम से। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसान खूब तरक्की करने लगा, बढ़ने लगा मतलब तरक्की करने लगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल है। एक प्रकृति किसके प्रति, किसी के प्रति नाइंसाफी नहीं करती, कविता में ये भी एक बात आई है। इसका भाव क्या है, जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, नहीं प्रकृति तो किसी के प्रति भी नाइंसाफी नहीं करती ना, उपयुक्त सभी के प्रति, तो इसका ऑप्शन फोर हो जाएगा, यानी आंसर इसका फोर। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया, मैंने अभी बात की थी कि यह एक व्यंग है हमारी इंसानियत पर, या इंसान की उस मरती हुई संवेदना पर, या इंसानियत की समाप्त होती हुई, इंसान की इंसानियत के समाप्त होने पर, या उसकी संवेदना के समाप्त होने पर। प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की, गलत बात, इंसानों ने, अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, इंसानों में जंगल उगाना शुरू कर दिया है। कविता के अंत में क्या सह, वही मैं जो बात कर रहा हूँ, हम लोग भी समझ गए हैं कि इंसानों में इंसानियत समाप्त हो गई है, उसकी संवेदनाएँ समाप्त हो गई हैं, है ना, वो अपनी भौतिक प्रगति के लिए या प्रकृति को भी नष्ट करने लगा है, तो प्रकृति उसको नष्ट कर रही है, यही तो बात है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है, अब प्रकृति किसी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं करेगी, तो अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते, तो वो कह रहे हैं कि कहाँ जाते जंगल, यानी जंगल अब समाप्त होने लगे हैं, इसी की तो बात की है, इंसान आएगा तो जंगलों को उसने काटा, तो समाप्त होने लगे, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, बगीचा, वन, कानन, अरण, देखिएगा वन, कानन और अरण ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं, बगीचा नहीं होता है, बगीचा बाग ये अलग होता है, जंगल का पर्यायवाची नहीं होता है। और इस प्रकार आपकी गद्य और पद्य शिक्षण का कार्य हो चुका है। देखिएगा इसके बाद हम लोग गद्य खंड और पद्य खंड के भाषा बोध के प्रश्नों के बाद अब हम लोग आते हैं पेडागॉजी या मेथोडोलॉजी संबंधित प्रश्नों पर, या हिंदी शिक्षण से संबंधित प्रश्नों पर। देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, किंतु यह आपकी समझ से संबंधित होते हैं। अगर इन प्रश्नों में आपकी सही समझ नहीं है तो ये प्रश्न दिक्कत कर सकते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों के साथ कविता करना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना, या बच्चों का भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। देखिएगा बच्चों के साथ कविता गाना ये बच्चों का भाषा सिखाने का माध्यम नहीं हो सकता। कहानी सुनाना ये तो उनके श्रवण कौशल को विकसित करता है। वीडियो दिखाना ये उनके देखने की चीज़ को
लेकिन यहाँ पे जो भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि होगी वो भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना, ठीक है, यही इसका प्रश्न होगा, ये इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं। जी नहीं, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, ये आप याद रखिएगा, तो बहुभाषिक ही इसका उत्तर होगा। अगला देखिएगा, कह रहे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा उसका माध्यम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप प्रश्न जब पढ़ें तो एक बात ये भी ध्यान रखते रहें कि सीटेट में भाषा संबंधी जब प्रश्न आते हैं, शिक्षण संबंधी प्रश्न आते हैं या मेथोडोलॉजी संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसमें सही क्या सही है और इनमें से क्या सही नहीं है, इस पे भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। कह रहा है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, नहीं। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते, ये भी नहीं। बच्चे अपने परिवार से भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, नहीं। बच्चे तो अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न इसका आता है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय, जब हम पाठ्य पुस्तक भी आपको बताएंगे तो इस पे एक अलग क्लास हम लेंगे और आपको बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक क्या होता है, क्योंकि आपके यहाँ जो सिलेबस है उसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित अलग टॉपिक इसका दिया है और उस पर बात की गई है, तो उसी से भी प्रश्न आया है कि पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। लेखक की रचनाएं शामिल हों, भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप सम्मिलित हों, उपदेशात्मक पाठ सम्मिलित हों, कहानी आदि को, नहीं। जब भी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भाषा की सभी विधाएं, उसके सभी रूप, उसमें विविधता होनी चाहिए। कविता भी होनी चाहिए, कहानी भी होनी चाहिए, नाटक का भी थोड़ा सा अंश होना चाहिए, गीत भी होना चाहिए, है ना। तो वैविध्यता, वैविध्यपूर्ण रूप उसमें सम्मिलित होने चाहिए। इसका आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां, ये भी पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है, उसी टॉपिक से, पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक से। वो कह रहा है कि अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना, गृह कार्य देना। देखिएगा यहाँ पे मुख्य बात है बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना, ठीक है, अभ्यास और गतिविधियों से वो अपनी अभिव्यक्ति करेंगे, है ना। चलिएगा इसके बाद तो इसका आंसर सही हो जाएगा एक। इसके बाद अगला हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर, चूंकि ये हम लोग प्राइमरी का पेपर कर रहे हैं प्राथमिक स्तर, इसलिए बात प्राथमिक स्तर की जा रही। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है। वो कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दी हुई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ करना, एक बच्चे को मानक भाषा के प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर के बच्चों को भाषा प्रयोग करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। देखिए क्या इसमें बच्चे को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते रहना बच्चों को, तो इसमें आपका तीसरी बात हो जाएगी। भाषा शिक्षक सबसे ज्यादा है कि कक्षा में और कक्षा के बाहर भी बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करे, ये महत्वपूर्ण बात है। भाषा की जब बात की जाती है तो उसका यही है कि आप उसका कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को कितने अवसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न इसी तरीके से देखते हैं, चाम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। एक विद्वान है चाम्स्की, और उनके अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की प्रतिभा क्षमता जन्मजात होती है, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। बच्चे जाहिर सी बात है, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, भाषा आकलन, हम जाते हैं भाषा आकलन से संबंधित प्रश्न आते हैं,
पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखिए यहाँ पे आप कई छात्रों को हमारे ये लगेगा कि इसका अभ्यास के माध्यम से भाषा आकलन हो सकता है, वो एक दूसरी बात है, वह भी एक आकलन की प्रक्रिया है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम सीखते और सिखाते हैं तो उसके दौरान भी शिक्षक अपने छात्रों की सीखने की या उसकी भाषा की उसका आकलन चलता रहता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है टू, यानी इसका ऑप्शन दो सही होगा। दूसरी बात है कि इसमें दूसरा नंबर क्या आता है तो वो फिर अभ्यास हो जाता है, लेकिन पहला इसका है सीखने सिखाने के दौरान भी उसका आकलन चलता रहता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व तो सर्वाधिक है? भाषा अर्जन की बात जब की जा रही, टॉपिक आपका है भाषा अर्जन से संबंधित, तो उसमें कहता सबसे महत्व तो है पर किसका महत्व तो सर्वाधिक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भाषा कक्षा का है, भाषा प्रयोगशाला का इसका भी है, पाठ्य पुस्तक की है, किंतु सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक है समाज का। समाज जितना भाषा सिखा सकता है वह भाषा प्रयोगशाला, भाषा कक्षा और पाठ्य पुस्तक उतना नहीं सिखा सकती है। समाज का महत्वपूर्ण ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन फोर सही हो जाएगा। पढ़ना सीखना, देखिए जो भाषा कौशल है उसमें आप लोग जानते हैं, सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। हम उसकी जब कक्षाएं लेंगे तो बताएंगे। तो कह रहा पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोगशाला, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की। देखिएगा जो फिर वो कह रहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण तो सभी किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखता है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे उचित ध्यान रखना चाहिए, और वो क्या है कि सभी बच्चों को समान रूप से गहकार देना चाहिए, सभी बच्चों को समान गतिविधि में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना चाहिए, विविध प्रकार की दस सामग्री का उपयोग करना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा में क्या है कि आपको विविध प्रकार की दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, उपयोग करना सीखना चाहिए, है ना। अगला अगला प्रश्न इसका आता है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर और कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर। देखिएगा पर इसमें प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक बार आए फिर से देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे बल दिया, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने। देखिएगा परिवार चूंकि समाज का ही हिस्सा है इसलिए परिवार और समाज जब दोनों ऑप्शन देंगे तो हम समाज टिक करेंगे ना कि परिवार। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर समाज की बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चा समाज की बात बहुत करता है तो उसमें सबसे अधिक जो बात है वो समाज की है, सोसाइटी कैसी है, इस पर आपका आंसर जाना चाहिए और जाएगा ही, यही सही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की जब बात होती है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सीख सकें, बच्चे भाषा व्याकरण को जान सकें। देखिएगा प्राथमिक स्तर पर मानक भाषा के प्रयोग की बात नहीं की जा सकती, मानक भाषा का प्रयोग हम उच्च स्तर पर समझते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चा अगर थोड़ा सा अमानक भाषा भी बोलता है तो उसको हम लोग माफ़ कर देते हैं। ठीक है, बच्चे सदैव अच्छे अंक लाएं, ये भी
प्राथमिक स्तर शिक्षण का उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा वो होगा बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग जान सकें या कर सकें। इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा। इसके बाद बच्चों की भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना करना। देखिएगा कि बच्चे के भाषा आकलन को आप ये नहीं जान सकते हैं कि उस बच्चे का भाषा ज्ञान कितना है, ना उसकी लिखित परीक्षा लेकर के, नकल भी कर सकता है वो, ठीक है। बच्चे से किताब पढ़वाना, वो पढ़ भी सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पाठ हो रटा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसे भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान है। परियोजना कार्य वो किसी से करवा भी सकता है, इससे भी उसका सही आकलन नहीं हो सकता। लेकिन अगर बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन आप करेंगे, किस प्रकार से वो अपनी भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार से वो भाषा लिखता है, किस प्रकार से भाषा बोलता है, तो इसका जो सभी ऑप्शन में जो होगा वो दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन या उसके उत्तर। अब हम लोग एक बात समझे इस पेपर के द्वारा कि देखिएगा, आप कई बार इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और जब आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके समझ लेंगे, गद्य शिक्षण को अच्छी तरीके समझ लेंगे, तो आपको प्रश्न या आपको अपने पेपर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहले थोड़ा सा आपको टाइम मिल सकता है, विशेष रूप से समय मिल सकता है। जब आप सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो फिर आपको विशेष समय नहीं लगेगा और आप कम से कम समय में भाषा में अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।